आज छठे पाठ में जा रहे हैं संस्कृत परिचय में। तो परिचय में आज हम ये देखेंगे कि उच्चारण स्थान, संस्कृत में उच्चारण स्थान की जैसे ही बात आती है तो पहला ही प्रश्न आता है वही पाणिनी शिक्षा से। पाणिनी शिक्षा ग्रंथे उच्चारण स्थानानी संति या कति, तो कहा पाणिनी शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। फिर दूसरा आता है अष्टाध्याय ग्रंथे उच्चारण स्थानानी संति एकादश, 11 होंगे। और अपने जो है अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार। फिर आया लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी अंतर्गते उच्चारण स्थानानी संति, उच्चारण स्थानानी संति ये प्रश्न फिर से एक बार, और यहां भी आंसर हुआ एकादश। अब आया अगला प्रश्न सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के राइटर भट्टोजी दीक्षित हैं। सिद्धांत कौमुदी या कौमध्याम उच्चारण स्थानानी संति 10। इसलिए परीक्षक प्रश्न में जब तक ये ना पूछे कि पाणिनी शिक्षा ग्रंथे उच्चारण स्थानानी कति, तब तक आप अष्टा नहीं कह सकते। और अष्टाध्याय लघु सिद्धांत दोनों में ही 11 है, सिद्धांत कौमुदी में 10 दे रखे हैं, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रश्न जहां पूछ रहा है आंसर भी वैसा ही देना है। और इसे देखते हुए ये वो कौन से हैं 8 जो पाणिनी शिक्षा में जो रखे गए, और वो गुण 11 कौन से हैं वो भी दोनों हम एक साथ रखते हैं। आइएगा इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चले और देखें पाणिनी शिक्षा ग्रंथ दोनों ही पाणिनी द्वारा लिखे गए। दूसरा है अष्टाध्यायी ग्रंथ। इन दोनों ही ग्रंथों में इसमें यहां अष्टा कहा 8 उच्चारण स्थान, इसमें कहा 11 एकादश। तो देखते हैं 8 कौन कौन से हैं। कंठ तालु मूर्धा दंता ओष्ठव नासिकाचे और जिह्वामूल और उरस। वहीं यहां देखना शुरू करें तो प्रथम है कंठ तालु मूर्धा दंता औष्ठव। नासिकाचे जिह्वामूलम कंठतालु कंठोष्ठम
दंतोष्ठम और नासिका। इस तरह से मित्रों पाणिनि के एक ग्रंथ में 8 है, ताकि दूसरा जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी वहां 11 है। कुछ बच्चों ने मूल उच्चारण स्थान 7 बना लिए हैं, तो प्रश्न मेरा भी यही है और एग्जामिनर का भी यही है कि किसके मतानुसार 7 है, क्योंकि किसी के मतानुसार भी 7 नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रश्न आता है और कि उच्चारण मूल उच्चारण स्थानानि संति, यदि हम मान भी ले ये आता है और आप इसका आंसर क्या देना चाहेंगे, 7 किसके आधार पर, ना तो इसके आधार पर 7 है और ना ही इसके आधार पर 7 है। ब्रह्मा जी के अनुसार तो उच्चारण स्थान है नहीं, तो आपने 7 बना कैसे दिए, क्या सब 7 नहीं है। अब बच्चा कहता है कि यहाँ और यहाँ कॉमन है, कॉमन होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका उच्चारण स्थान मूल 7 ही क्लियर कर दें। यहाँ 7 ग्रंथ का नाम आएगा और 8 ही होंगे और यहाँ पर 11 ही होंगे, 7 नहीं होंगे किसी भी विद्वान के जो कि ऑथेंटिक विद्वान है। बाकी कोई क्या कहता है उससे आपको और मुझे दोनों को ही कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, ये प्रश्न पूछा गया जा चुका है और ऐसी स्थिति में आरपीएससी को और अन्य दिल्ली अधीनस्थ को डिलीट करना पड़ा था वो प्रश्न जो कि 2016 में दिया गया था उच्चारण स्थानानि संति, जिसमें पहला ऑप्शन था 7, दूसरा था 11, तीसरा था 10 और चौथा था 9, डिलीट करना पड़ा एग्जामिनर को। कारण क्या था, वह सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 7 है तो किसके अनुसार, क्योंकि ये बहस का मुद्दा हुआ और ऐसी स्थिति में आरपीएससी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए इसे बोनस के रूप में दिया था, यानी कि उसे डिलीट किया गया। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि याद वो करो जो याद करने योग्य हो। तो हमारे यहाँ देख लें एक बार कि 11 कौन से हैं और 8 कौन से, और ऐसी स्थिति में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें एक एक चीज को समझना होगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बाद में उच्चारण स्थान जो है जिनके आधार पर हमारे संधि समास कारक विभक्ति लिंग धातु प्रत्यय चलेंगे, इसके बाद में हम उनका उच्चारण स्थान के बाद में हम ये देखेंगे कि ये उच्चारित हुआ होंगे कैसे, इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहला सबसे बड़ा आता है दोनों में ही कॉमन, कंठ है और कंठ से निकलने वाले वर्णों की संख्या कितनी है। अक्सर यही दिक्कत है कि हम लोग कुछ अयोग्य गाइडे या आधे पढ़े लिखे कार्यों को समझ बैठते हैं। तो जरा सा सूत्र को देखिएगा, अकुहा विसर्जनीय नाम कंठ। अब प्रश्न यहां ही आता है, अधिकांश बच्चे क्लियर ये करते हैं, ए के वर्ग के यानी 5, एक ए और आ 7 8 9, 9 का वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ए के 18 भेद जो बनाए थे उन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है, ए के 18 भेद। कु का मतलब क वर्ग, क ख ग घ य, कगणना जो ए है वो केवल उच्चारण के लिए है और विसर्ग है। अच्छी तरह ध्यान रखिएगा है क्या है, ऊष्म वर्ण है और विसर्ग अयोग वाह वर्ण है। इस तरह से करीबन 25 होते हैं, ना कि 9 में ही काम चला लेंगे आप, ये संस्कृत है हिंदी नहीं। कंठ के बाद में हमारा आता है तालु, कंठ ऊपर तालु, इचु यशाना तालु। यहां भी ध्यान रखना होगा कौन सा स्वर है जो तालु से उच्चारित होता है, तो ई के 18 भेद, रेश्व दीर्घ प्लुत सभी प्रकार का ई का उच्चारण स्थान तालु होगा। फिर आया चु, चु का मतलब है च वर्ग, च छ ज झ ञ। अब सबसे बड़ी बात आगे है, ये संस्कृत में ये दो प्रकार का और ये वाला से, आप जब उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा अधिकांशतः हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इसे जो है संकर वाला से कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ ताला विषय की बात हो रही है,
अब आप बच्चों को तालव्य श के नाम लेकर के फिर समझाएं उन्हें कि यह तालव्य श होता है। पांचवी क्लास तक आप प्राइमरी एक्सटेंशन तक आप कैसे पढ़ाए, लेकिन जैसे ही संस्कृत शुरू होती है वहां आपको ध्यान रखना होगा। इचु यशा नाम तालु, फिर आया मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? मूर्धा जीभ का मुड़ करके किसी अंग को छूने का प्रयास, किसी अंग को छूने का प्रयास। और ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप बिना जीभ को मोड़े जरा सा टैप बोल के देखिए, नहीं भूलेगी। क्यों नहीं बोल, प्रयास करके देखें। यदि टैप भूलता हो बिना जीभ के मोड़े तो कहीं चिपकता नहीं है, मुड़ता है, जीभ मुड़ती है। और ऐसी स्थिति में कौन सा वह स्वर है जो री टू रसानाम मूर्धा, जरा सब क्लियर कर लें। री के 18 वेद टू टैवर टै ठे डे ढे और ना टैवर। फिर आया आपके पास में रा, रा घूमता है और मूर्धन्य से कहलाता है। इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा मतलब जीभ का मुड़ना, मूर्धा के बाद दंता। वे वर्ण जो दांतों के टकराने पर ही उच्चारित होते हैं, ते थे दे, तो दांत टकरा नीचे रहे ना कि जीभ आगे टच हो रही है। और ऐसी स्थिति में कौन सा स्वर है जो दांतों की वजह से उच्चारित होता है? री टू लसानाम दंता। अब इसको भी खोलें तो यहां नजर आया री के 12 भेद, क्योंकि री दीर्घ नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में तय वर्ग, तू का मतलब तय वर्ग, तय था दे धे ने। और सबसे बड़ा ले, संस्कृत में दो प्रकार का, और आपके पास आया ये सब। हमारे यहां संधि में तोरली सूत्र आता है जहां दो लय नजर आते हैं, तो ध्यान रखिएगा दो हैं इसलिए दो नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में पांच चार यहां हो गया। अब हम अगला लेके चलेंगे जिसमें जिसमें हम और देखेंगे दंता के बाद में ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है दोनों होठ। दोनों होठों की बात करें तो कहा उपोप धय मानिया नाम मोस्ट। ये सूत्र कुछ कहना चाह रहा है, इसे भी समझें। तो कहा ऊ के 18 भेद, यानी ऊ 18 प्रकार का। पू का मतलब है प वर्ग, प फ ब भ म, और उपधेय मानिया ना मानिए, उपधेय मानिए हमारे अयोग वाह वर्ण प और फ के पहले लगा हुआ आधा विसर्ग। इनका उच्चारण भी किससे होता है? ओष्ठ से ही होता है। छठवां हमारे पास है नासिका च। नासिका कहते हैं मित्रों नाक को, और च मतलब और। तो जरा से पहले क्लियर कर लें, इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है, इसका उच्चारण स्थान भी इसका तालु है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, न का उच्चारण स्थान दंता है, और मैं का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। किंतु इन वर्ग के पांचवें वर्णों का उच्चारण स्थान और भी है, वो है नासिका। इसीलिए आपका सातवां माहेश्वरी सूत्र य म ण ण ना नाम नासिका च। ये सूत्र जैसे ही आपको सामने आया, क्रम संस्कृत में ये रखा गया, इसलिए मैं ये हम ये कह सकते हैं कि अनुनासिक
व्यंजन अर्थात किसी भी वर्ग का के पांचवें वर्ण का उच्चारण स्थान स्थान नाक भी है क्या बोले तो, यानी ये तो है ही है अपितु इनका उच्चारण स्थान नाक भी है। सातवां हमारे पास जो आता है वो है जिह्वा मूल, और जिह्वा मूल एक अयोगवाह वर्ण से रिलेटेड है, तो यहां पर हमने लिया जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। और साफ शब्दों में कहा गया पाणिनी द्वारा भी कि क वर्ग के पहले आधा विसर्ग, क के आगे आधा विसर्ग और ख के पहले आधा विसर्ग, इनका दोनों का ही उच्चारण स्थान जीभ का मूल मतलब जीभ का मूल पीछे की ओर है, उच्चारण वहीं से होगा। और मित्रों आठवां जो रखा है पाणिनी शिक्षा में वो उसका नाम है उरस। संस्कृत में विशेष रूप से एक शब्द आप लोग देखते हैं उरु और एक है उर, तो उर जो है वो वक्ष स्तर या उरोज को कहा जाता है, जहां से जब हम वर्णों को उच्चारण करते हैं तो अधिकांशतः वेदिक वर्ण ही उच्चारण होते हैं, जिनको रखा गया री र ण रे, ये उदाहरण के रूप में रखे गए। ये जो वर्ण है जो जिनका उच्चारण स्थान जो है उरस है, और ये केवल माहेश्वरी जो माहेश्वरी सूत्र के साथ में हमें ध्यान रखना होगा कि माहेश्वरी सूत्रों में ना रख करके यह उच्चारण स्थान केवल पाणिनी शिक्षा में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि पाणिनी शिक्षा वेदों से रिलेटेड अर्थात ऋग्वेद से रिलेटेड है, ये लोकल यानी लौकिक संस्कृत में भी आ गए, किंतु इसे केवल वेदों में ही रखा गया। बेशक इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप करें रिहस्व बोलते हैं, लेकिन ये जो यहाँ का जो वर्ण है ये वेद से रिलेटेड है। आप माँ की आह्वान करते हैं तो ह्रीम, ये ह्रीम करने से यहाँ झटका लगता है, रिहस्व यहाँ लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में उरस जो उच्चारण स्थान केवल पाणिनी शिक्षा में है, अष्टाध्यायी में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मैं वहां चलूं कि आठवां उच्चारण स्थान आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें दे सकते हैं। प्रश्न अब यहाँ ये है कि आपने जो यहाँ जो दिखा रखा है मैंने इस पे फोकस करें, देखें कहाँ हम कहीं भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे द्वारा किए भी एक भी छोटी गलती समस्या हमें ही उत्पन्न होने वाली है, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार की भी आपको असावधानी का सामना करना पड़े एग्जाम हॉल में। और ऐसी स्थिति में लगातार अब आठवां उच्चारण स्थान अष्टाध्यायी में कौन सा है वो रखते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान तो केवल पाणिनी शिक्षा में ही है, और ऐसी स्थिति में आठवां उच्चारण स्थान वह संयुक्त उच्चारण स्थानों के रूप में जाना गया कंठताल। ए दई तो कंठताल, ए दैतो कंठताल, ए दैतो का मतलब ए और आई। अब यहां भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि कितने प्रकार के ए और आई के 18 भेद का उच्चारण स्थान प्रश्न है, 18 वहां नहीं है केवल 12 ही है। क्यों है 12? क्योंकि ये रहस्य नहीं हो सकते, उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्यों है? क्योंकि ए प्लस ई, ए का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। और ऐसी स्थिति में कंठ तालु से उच्चारित, कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले ए और आई दो स्वर हैं।
फिर है कंठोष्ठम, कंठोष्ठम में जो रखा उसमें रखा हमने ओ दौतो कंठोष्ठम। मित्रों यहां सबसे बड़ी चीज ये देखने की है कि ओ और औ के भी कितने भेद हैं, 12 भेद ही हैं का उच्चारण स्थान। कंठोष्ठ है क्यों है, ए धन ऊ बराबर ओ, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ऐसी स्थिति में ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ होगा। और इसके बाद में हमारा अगला जो 10वें नंबर का है वो है दंतोष्ठ। दंतोष्ठम की बात जैसे ही आई वैसे ही आया वकारस्य दंतोष्ठम, या तो हमने सभी ने कर रखा है मगर क्यों है, वही ऐसा व्यंजन क्यों है जिसमें दंत और औष्ठ दोनों काम कर रहे हैं। लिखा भी गया केवल वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि वह का उच्चारण करते समय दोनों होंठ मुड़ते हैं वह, और नीचे जो दांत हैं वहां से हवा बाहर जाती है, अतः दंतोष्ठ वह का उच्चारण स्थान रहा। अब रहा एक और जिस पर सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना होगा, एक अयोगवाह वर्ण रह गया है जिसका उच्चारण स्थान अभी तक नहीं पता चला आपको, वही देखना है। और 11वां है नासिका, केवल नाक से ही उच्चारित होने वाला नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से, और अनुस्वार का अर्थ है आपने जो लगाया, जी हां ऊपर जो बिंदी से लगी होती है अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक ही है। जबकि यहां मैंने लिखते समय साफ लिखा है कि इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नाक ही है, और वहां जो है अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल नाक ही। ऐसा क्यों कहा, ये सब पाणिनि जी ने अपने नियमों में साफ कहा, इसलिए अनुनासिक संधि बनाई उन्होंने और मो अनुनासिक का सूत्र भी दिया। साथ में ही उन्होंने ये भी समझाया कि उसके अलावा भी निश्चय पदार्थस्य झलि अनुस्वार जो बन रहा है उसका उच्चारण स्थान केवल नासिका होगा और कोई भी नहीं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि नाक से उच्चारण केवल अकेला नाक से ही, केवल नाक से ही। जैसे आप जरा से देखिए, देखिएगा मेरे पास ये दोनों वर्ण दे रखे हैं मैंने एक साथ में, ऊपर वहां अनुस्वार लगा हुआ है, जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह बंद होता है, नाक ज्यादा बोलता है, जबकि यहां पर अनुनासिक स्वर अनुनासिक लगा हुआ है जिसे आप चंद्रबिंदी कहते हैं, ये क्या है अनुनासिक और ये क्या है अनुस्वार, जब इसका उच्चारण करूंगा तो मुख खुलता है आ, तो ऐसी स्थिति में इसका उच्चारण स्थान केवल नाक ही है और आपको ये चीज ध्यान रखना ही होगा। और इसीलिए आपने जैसे गौर किया हो तो हमने जब एक 18 भेद बनाए तो अनुस्वार का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला, जबकि इसका उल्लेख वहां मिला था। आप इसको ले सकते हैं और इसीलिए कहा क्योंकि यहां से प्रश्न हर स्टेट में संस्कृत में हर हालत में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ऐसी स्थिति में आपको अब प्रश्न है इनका उच्चारण स्थान तो हमने देख लिए कौन से क्या है, अब ये उच्चारित कैसे होते हैं ये वर्ण, आइए उस पर भी हम फोकस करें, जिसके लिए पाणिनि जी ने अथक प्रयास किया है। और इस अथक प्रयास को करते हुए उन्होंने लिखा यत्न, यत्न किसे कहते हैं, यदि शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो यत्न कोशिश को कहते हैं,
और यदि विशेष रूप से प्रयास किया जाए तो यत्न ही प्रयत्न में बदल जाता है, जिसे कहते हैं अच्छी कोशिश। कोशिश कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक आंतरिक और एक बाह्य। जब तक हम कोई चीज आंतरिक नहीं सोचते हैं बाह्य उसे दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए पाणिनि ने यत्न के विषय में कहा कि दो भेद होते हैं इसके, प्रयत्न के दो भेद किए। और पहला भेद रखा उन्होंने आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा भेद रखा बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हम समझेंगे आभ्यंतर प्रयत्न को। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, कैसे हमें समझ में आए? आभ्यंतर प्रयत्न ये एक ऐसा प्रयत्न है जिसको मैं शाब्दिक अर्थों में यूं भी लिख सकते हैं कि मानसिक प्रयास। मानसिक मतलब सोच विचार, बोला ना जाए अर्थात सीधा सीधा यूं कहा जाए कि मौन वाचन, कि हम जब चुप रह करके सोचते हैं किसी चीज को तो वह कोशिश क्या कहलाती है? आभ्यंतर प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर स्वर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है ऐसा प्रश्न हर बार दिया जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न भेदा मित्रों पंचधा। अब प्रश्न आता है कि साहब चतुर्धा भी तो होते हैं, तो मित्रों सिद्धांत कौमुदी में ही चतुर्धा है और कहीं चतुर्धा नहीं है। अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी में पंचधा ही है, तो जरा गौर कीजिएगा। अब कहा ये पांच क्यों है मानसिक आधार पर भी, तो साफ शब्दों में हमें ध्यान रखना होगा कि पहले इनका नाम क्या है। नंबर एक स्पष्ट, साफ साफ सुनाई दे, ईषद स्पष्ट, विशेष रूप से साफ साफ सुनाई दे, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध। संस्कृत में यही है, हिंदी वाले संस्कृत में अलाउड नहीं है, इसलिए काफी जगह है देख रखा और समृद्ध वगैरह वगैरह। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, या तो संस्कृत के भाषा विज्ञान में है या फिर वो हिंदी में है, यहां पर कहीं भी प्रयोग नहीं किए हैं किसी भी आचार्य ने, और आपने कहीं किसी ने देख रखा है गाइड पढ़ रखा है उसके लिए आप गाइड वाला जिम्मेवार है। ना ही मैं किसी गाइड वाले की बुराई कर रहा हूं ना ही आपकी, प्रश्न ये ध्यान नहीं दिया तो नंबर चले जाएंगे। और ऐसी स्थिति में स्पष्ट का अर्थ होता है साफ साफ सुनाई, तो साफ साफ सुनाई हमें यदि हमें याद हो तो हमने जो व्यंजन के कुछ तीन भेद किए थे। व्यंजन का एक भेद किया था स्पर्श, दूसरा किया था अंत स्थ और तीसरा किया था ऊष्म, ये हमने बनाए। तो साफ साफ हमें हमें स्पर्श व्यंजन सुनाई दिए थे, तो स्पर्श सुनाई दिए थे तो क्या रखे जाए? स्पष्ट है क्या वो? तो कहा कहते हैं मैं पर्यंतम, कैसे लेकर मैं तक के वर्ण किसमें रहेंगे? स्पष्ट में कैसे मैं तक, इसलिए संस्कृत में कहा कादयो मावसानां स्पर्शा, इसीलिए संस्कृत में कहा गया है कि कैसे लेकर के मैं तक के जो है व्यंजन किसमें रहेंगे? स्पर्श, साफ साफ सुनाई दे। अगला दूसरा आया कह सब ईषद स्पर्श, यानी कि जो विशेष रूप से साफ सुनाई दे। तो अंतस्थ हमारे संस्कृत में कौन कौन से हैं? य व र ल, संस्कृत में कौन से हैं? य व र ल, जिन्हें क्या कहा गया है? यण अंतस्थ। और यण अंतस्थ य व र ल ये सारे किसमें रहेंगे? ईषद स्पष्ट में। फिर आया तीसरा हमारे ऊष्मीवर्ण, ऊष्म मतलब गर्म, गर्म का मतलब विशेष रूप से तेज बोले जा सके। और ऐसी स्थिति में श स स ह, और इन्हीं को माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर इन्हें कहा सलो उष्माणा, सलो 13वां माहेश्वर और 14वें माहेश्वर को मिला दिया जाए तो कहा गया सलो उष्माणा। अब आया विवृत, विवृत कहते हैं जिन्हें धीरे धीरे बोला जा सके और बहुत तेज भी। तो ऐसी स्थिति में
इसके अंतर्गत आते हैं सारे के सारे स्वर। सारे के सारे स्वर का मतलब है रेष्ठ दीर्घ प्लुत। सारे के सारे स्वर कहां रखे गए? विवृत में। अब प्रश्न है सारे सारे व्यंजन यहां 33 हो गए, यहां पर आपके सारे स्वर हो गए, तो फिर यहां क्या रखा पाणिनि जी ने? पाणिनि ने कहा जब मानसिक प्रयास होता है, जब हम मानसिक प्रयास करते हैं, तो हमारे मानसिक प्रयास करते समय हमारे दिमाग का एक बैलेंस बनाए रखने के लिए दिमाग क्या करता है? जब बहुत गर्म होने पर वो हल्की सी हवा बाहर निकालता है। ये जो हल्की सी हवा निकली है तो इसमें मुंह हल्का सा खुला, लेकिन किसी विशेष अवस्था में ना खुलने की वजह से यहां पर पहला वर्ण जो हमारे हैं कौन सा है? स्वर है। स्वर में भी कौन सा है? ए है। और ए जो स्वर है वो किस अवस्था में है? रेष्व ए, प्रयोग दशाया। प्रयोग दशा में केवल रेष्व ए, वो भी प्रश्न यहां दिया जाएगा कि रेष्व ए प्रयोग दशा में क्या कहे, किस में जाएगा? संवृत में जाएगा। अतः किसी भी कंफ्यूज में ना रहे, क्योंकि आर टेट सी टेट यूपी टेट जो टेट है उनमें समय ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और लगातार आपको इसी चीज के लिए तैयार रहना होगा। और ऐसी स्थिति में आगे वाला मैं ले रहा हूं कौन सा, पहले आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। और आगे हम चलते हैं बाह्य प्रयत्न में। बाह्य प्रयत्न क्या है, कैसे है, वो देखेंगे हम। और ऐसी स्थिति में देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्नों को तो आपने रख दिया, तो ये कहा जा सकता है कि यदि ये पांच पांडव हैं तो नेचुरल निश्चित रूप से बाह्य जो प्रयत्न रहे होंगे वहां कौरवों की संख्या की तरह संख्या रही होगी। तो निश्चित रूप से बाह्य प्रयत्न को भी हम समझे तो वहां साफ शब्द में बाह्य प्रयत्न होगा क्या? जब अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? मानसिक, तो फिर बाह्य प्रयत्न क्या कहलाएगा? वाचिक। वाचिक किसे कहते हैं? बोलना, बोलना मन ही मन में नहीं, बाह्य मतलब बाहर की ओर। तो कैसा वाचिक प्रयास के आधार पर जो है बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो बाह्य प्रयत्न के भेद प्रयत्नः भेदः एकादश, ये भी 11 है। एकादश पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों यानी अष्टाध्यायी के अनुसार उच्चारण स्थानों संख्या भी 11। पाणिनि शिक्षा और अष्टाध्यायी के अनुसार, अष्टाध्यायी के अनुसार विशेष रूप से अभ्यंत बाह्य प्रयत्नों की संख्या भी कितनी? 11 है। नंबर एक, क्योंकि अब बोलने का काम है, वहां बोलना नहीं था, केवल मानसिक प्रयास करना था। तो यहाँ पहला ये है विवाह। विवाह का अर्थ होता है मुंह खुले, श्वास लगातार, श्वास चले, अघोष गूंज नहीं हो किसी भी प्रकार की, संवाद जो है विशेष रूप से आप मुख कम खुले, नाद आवाज हो, घोष घोष मतलब गूंज हो, अल्प प्राण मुख से कम वायु बाहर आए, महाप्राण मुंह से अधिक प्राण वायु बाहर आए, उदार अनुदार और स्वरित। इस तरह से संस्कृत में 11 हैं, हिंदी में इनमें से कुछ स्वीकार नहीं किए गए। तो याद रखिएगा हिंदी संस्कृत का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है, क्योंकि जहां हिंदी अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है वहां संस्कृत वैदिक संस्कृत से उत्पन्न हुई है। अतः संस्कृत हिंदी का कोई दूर दूर तक मेल नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा दोनों भाषाएं अलग है, लिपि एक होने की वजह से हम अपने आप को कंफ्यूज रखते हैं, इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। और ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा यहाँ 11 है। विवाह का मतलब है मुंह खुले, श्वास यानी लगातार उच्चारण में श्वास लगातार चले, अघोष मतलब गूंज नहीं हो, समार का मतलब है मुंह कम खुले, नाद का मतलब आवाज हो, अघोष का मतलब गूंज हो, अल्पप्राण मतलब कम वायु मुंह से बाहर निकले, महाप्राण का मतलब है अधिक मुंह से वायु बाहर निकले, उदार और अनुदार स्वरित ये स्वरों की संज्ञा है और इसमें स्वर ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब हम बांटे ही नहीं तो देखेंगे कि कौरवों की तरह सेना कैसे खड़ी की जाए कि हमें वो ध्यान रहे, क्योंकि प्रश्न तो आना है।
तो पहला हमने रखा कि वह वे वर्ण जिनमें मुंह खुलता है, श्वास लगातार चलता है और गूंज नहीं होती है, ये तीनों के तीनों बाह्य प्रयत्नों में आने वाले वर्ण कौन से हैं। तो मित्रों उच्चारण बिना काम नहीं चलेगा, मैं उच्चारण करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमारे व्यंजनों की कह गिना है क ख घ घ क और ख, इन दोनों में मुंह खुला, श्वास लगातार चला और कोई गूंज नहीं हुई। ऐसी स्थिति में जब क वर्ग में क ख हा तो च वर्ग में च छ होगा, ट वर्ग में ट ठ होगा, त वर्ग में त थ होगा और प वर्ग में प फ होगा और श श स। इस तरह से इन तीनों बाह्य प्रयत्नों में आने वाले व्यंजनों की हम बात करें तो यहां पर कोई भी स्वर नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा किसी वर्ग का पहला वर्ग या वर्ण या दूसरा वर्ण या फिर सैसे से हो, किंतु संस्कृत में सिंपल इस तरह से नहीं पूछता एग्जामिनर, क्योंकि वहां माहेश्वरी सूत्र भी है तो परीक्षक तो सीधा सीधा वैसे ही बनाएगा जैसा कि वो बनाता है। इसलिए 11वें नंबर का माहेश्वरी सूत्र था ख प छ ठ थ च ट त व क प य स स स र। तो जरा सा एक बार देखें, समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम समझ जाएंगे। यहां पर वर्ग का दूसरा वर्ण देखें एक बार और यहां भी देखें, वर्ग का पहला देखें और यहां भी देखें, सैसे से यहां भी देखें और सैसे से यहां भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक वर्णों का समूह है, जो पिछले हमने वीडियो में बात की थी कि प्रत्याहार कहां से शुरुआत की थी, खे से, और कहां पर खत्म, रे पर। तो खर एक अपने आप में क्या हुआ, वर्ण समूह जिसे प्रत्याहार कहा जाए। खर प्रत्याहार यानी खर में आने वाले वर्ण कौन से हैं, वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और सै सै सै, और इसके खर में आने वाले बाह्य प्रयत्न कौन से हैं, विवाद, श्वास और अघोष, तीनों के तीनों आने वाले ही हैं। और ऐसी स्थिति में हम चौथे नंबर का लेके चले तो चौथे नंबर का हमारे पास, फोर्थ नंबर का है संवाद, पांचवें नंबर का है नाद और छह नंबर पे है घोष। अब यहां भी हम देखें इसे, संवाद का मतलब था मुंह कम खुले, नाद का मतलब है आवाज हो और घोष का मतलब है गूंज हो। तो वो वर्ण या वो व्यंजन जिनमें आवाज मुंह कम खुलता हो, आवाज ज्यादा होती हो और गूंज भी ज्यादा होती हो। तो मित्र थोड़ा ध्यान रखिएगा, कै वर्ग में हमने क खा लिया था, अगला वर्ण कौन सा, ग घ ण। तो इन तीनों में ही क्या हुआ है, गूंज अधिक हुई, मुंह कम खुला और जो है आवाज हुई है। तो वर्ग का ग घ ण चेकन में ज झ ञ ड ढ ण द धन ब भ म। और क्या है ऐसा वर्ण जो रह गए हैं, तो वो ये रह गए हैं य व र ल र ह। इन वर्णों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, आवाज ज्यादा होती है और गूंज भी होती है। याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं 345 क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा है ना, लेकिन परीक्षक तो सीधा सीधा सा याद करने के साथ में ये भी कहता है कि ये संस्कृत है। और ऐसी स्थिति में पांचवा माहेश्वर सूत्र कौन सा था, है ये वै रे ट लण ञ म ण ने ने मे झ भ ञ घ है धे से। और दसवां है जे बे गे डे दे से। ऐसी स्थिति में आपके पास जरा से यहां से देखें तो है ये वे रे ले
अब हमारे पास आगे है पांचवें वर्ण, देखिएगा सभी के पांचवें वर्ण ले लीजिएगा और यहां देखिएगा एक दो तीन चार पांच, फिर चौथे पे लीजिएगा एक दो तीन चार पांच, तो एक दो तीन चार पांच, और तीसरा एक दो तीन चार पांच, तो एक दो तीन चार पांच। तो यहां पर एक वर्ण समूह क्या बना, है से शुरुआत की और स पे खत्म, तो क्या बन गया हस। वर्णों का समूह क्या बन गया, हस वर्णों, हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर यह वह रह है, और ऐसी स्थिति में बाह्य प्रयत्न कौन से आएंगे हस में, संवार, नाद और घोष, ऐसी स्थिति में तीनों के तीनों आएंगे, और ऐसी स्थिति में आप देखते रहें और उसको देखते रहेंगे तभी जाकर के आपका यहां होगा। अगला हम दृश्य आप स्क्रीन ले लें ताकि हम आगे चलें। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्ग यहां पर मुंह कम खुल रहा है, श्वास लगातार चल रहा है और गूंज नहीं हो, वहीं पर मुंह कम खुल रहा है, आवाज हो रही है और गूंज भी हो रही है। अब हम सातवां देखें तो सातवां कैसा है उसमें भी चले एक बार। सातवां क्या कह रहा है, अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब सबसे पहले समझना होगा मित्रों आपको, अल्प प्राण किसे कहें, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से हवा कम बाहर आती हो। तो मित्रों एक बार प्रयास करके देखें मुंह के हाल लगा करके और कह के रहने लें, सबसे पहले क ख, तो ख में अधिक आई, क में कम आई, तो पहला वर्ण तो हो गया हमारे पास क, ग घ, दूसरा है ग, उसमें भी कम हवा आ रही है। तो वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण है उसमें कम हवा बाहर निकलती है, इसलिए वर्ग का पहला तीसरा पांचवा किसमें रहेगा, अल्प प्राण में। तो च के रह में च ज ञ और ट ड ण और त द न और प ब और म, ये सभी में कम वायु भार निकलती है। और ऐसा कौन सा है जिनमें कम वायु भार आती है, वो है या व र ल। अब यहाँ एग्जामिनर प्रश्न कैसे करेगा, क्योंकि उच्चारण यानी हमारे माय सूत्रों में इनसे रिलेटेड व्यवस्थित कोई भी इस तरह का प्रत्याहार नहीं बनता, लेकिन नीचे वाले का बनता है, यह वह रह ले, क्या बन रहा है इसका, यण। तो हम ये कह सकते हैं वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और यण प्रत्याहार किसमें आएगा, अल्प प्राण में। बाह्य प्रयत्नों की बात करते हैं तो अब आता है अगला महाप्राण। महाप्राण मतलब था जहां मुख से अधिक वायु भार आए, तो कह की लय में कौन से वर्ण में आई, ख में और घ में, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, च की लय में छ और झ, ठ और ढ और थ और ध और भ और क्या बच गया हमारे पास, श स स और ह। इस तरह से मित्रों हमारे पास वो व्यंजन वो वर्ण एक साथ में नजर आए हमारे यहां। याद रखिएगा अल्प प्राण में संस्कृत में स्वर नहीं आएंगे किसी भी अवस्था में, क्योंकि यहां पर क्योंकि स्वर धीरे बोले जाते हैं तेज भी बोले जाते हैं, वहीं पर यहां पर केवल ए ही है और यहां पर उच्चारण जो है विशेष वायु पर डिपेंड करता है। ऐसी स्थिति में इनका भी कोई महेश्वर में वर्ण नहीं बनने पर केवल इसी का बन रहा है तेरहवा और चौदहवा महेश्वर सूत्र मिलाकर के सल। तो सल बाह्य प्रयत्न कौन से होंगे, महाप्राण और यण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अल्प प्राण। अब मित्रों हमारे पास बच गए हैं तीन और, वो कौन से हैं, उदात अनुदात और स्वरित। उदात अनुदात और तीसरा है स्वरित। तो मित्रों सबसे पहले इन पे बात एक बार फिर से कर लें, आप तीनों आप लोगों ने मैंने यहां दिखाया था समझाया भी था कि ये स्वरों की संज्ञाएं होती हैं, इसलिए संस्कृत में बाह्य प्रयत्न में अलग से ही तीन स्वर के बनाए, जबकि हिंदी में अल्प प्राण में स्वरों को रखा गया किंतु संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं रखा, उनके लिए अलग से बनाए गए हैं।
और इन तीनों में कौन से आएंगे? सभी स्वर, सभी स्वर का मतलब अच, तो माहेश्वर सूत्र के कौन कौन से रहेंगे? ए, ई, उ, ण, री, ली, क, ए, ओ, म, और ऐ, औ, च। इस तरह से बाह्य प्रश्न आभ्यंतर प्रश्नों में परीक्षक हर एग्जाम में कम से कम एक और अधिकतम तीन बनाता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना समझा और कितना समझ पा रहे हैं। प्रश्न ये है कि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, इसलिए जहां समझ में नहीं आए वहां पूछने की चेष्टा रखें और लगातार सब्सक्राइब करते रहें और लगातार लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और शेयर करते रहें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि आपको अपने अंदर आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में शाम को मुझे 8 से 9 के बीच में कॉल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में जय हिंद।